नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों की जिंदगी को बचाने के लिए अब जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा हवन किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल के दस जाने से उसके अंदर 41 मजदूर जो है वो पिछले 10 दिनों से फंसे हुए हैं और लगातार उन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक का प्रयास जो है वो कामयाब नहीं हो रहे हैं और ऐसे में अब उनकी सलामती के लिए हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जम्मू में ये हवन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू में, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया है और आहुतियां जो है वो दी जा रही है, ताकि जो मजदूर 41 मजदूर जो उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए हैं वो महफूज रहे। फिलहाल के लिए इस पूरे इंसिडेंट में अपडेट ये है कि लगातार इवैक्यूएशन की कोशिश की जा रही है, पैरेलल टनल जो है वो निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पैरेलल टनल निकालने में मुश्किलात आ रहे हैं। विदेशों से कुछ एक्सपर्ट्स मंगवाए गए हैं, हालांकि जो रिलेटिव्स हैं यानी कि जो फैमिलीज हैं उन मजदूरों की जो कि अंदर फंसे हुए हैं, उनका सब्र कहीं ना कहीं अब जवाब देता हुआ दिख रहा है कि आखिर 10 दिन का समय हो चुका है और अब तक मजदूरों को निकाल पाने में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सब्र टूटता हुआ। लेकिन अगर राहत की बात करें तो राहत यह है कि मजदूर अंदर सुरक्षित है। उनका एक वीडियो भी जम्मू लिंक्स न्यूज ने अपने पेज पर लगाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें यह साफ पता चलता है कि मजदूर अंदर सुरक्षित है। उन्हें खाने पीने का सामान अंदर मिल रहा है, ऑक्सीजन बकायदा पाइपलाइन के जरिए उन्हें दी जा रही है, लेकिन सब्र कहीं ना कहीं जो उनके परिवारजन है, जो परिजन है, वो जरूर खो रहे हैं, क्योंकि काफी समय हो चुका है और ऐसे में अब हर कोई ये चाह रहा है, हर कोई ये दुआ कर रहा है कि अंदर फंसे हुए मजदूर जो कि सुरंग में फंसे हुए हैं वो बाहर आए, देश को एक बड़ी कामयाबी मिले। लेकिन अब तक की बात करें तो काफी मुश्किलात यहाँ पर होते हुए और तो यहाँ पर देखिए फिलहाल सुरंग जो है वो खोदी जा रही है और हवन यहाँ पर होता हुआ, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हवन यज्ञ के जरिए जो है वो ये दुआ मांगी जा रही है कि उत्तरकाशी में फंसे हुए सभी लोग जो हैं वो इवैक्यूएट हो जाएं, और सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप लोगों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर दुआ मांगे, प्रे करें कि जिस प्रकार से हवन में आहुतियां दी जा रही हैं, आपकी भी एक आहुति जो है वो जरूर इसमें एडअप होनी चाहिए। तो हवन यज्ञ जो है वो किए जा रहे हैं, अब जम्मू में किए जा रहे हैं, हालांकि देश भर में दुआ मांगी जा रही है कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूर जो हैं वो सुरक्षित रहें और जो उनके परिवारजन हैं उन्हें भी जो है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन इस चीज से मिले कि सभी जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जम्मू में हवन यज्ञ होता हुआ और कोशिश यही है कि सभी जो मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। देश भर में दुआओं का दौर जारी है और आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में फंसे हवन यज्ञ का आयोजन, बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में उन मजदूरों की तस्वीरें लिए दुआ कर रहे हैं कि कहीं उनकी जो जान है वो बचाई जा सके। प्रशासन लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध है, काम कर रहा है, मगर नौ दिनों से लगातार जो है ये जारी है और अभी तक जो है सफलता नहीं मिली है। ये है जहाँ पर हवन जहाँ पर ये मजदूर फंसे हुए हैं और वो तस्वीर आप देखेंगे क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं इसको। देखिए करोड़ों लोगों की दुआएं काम करेंगी और ये 41 लोग जो हैं जो इस समय उत्तरकाशी के अंदर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, ये अपने परिवारों के साथ स्वस्थ तरीके से मिलेंगे, ये हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वहां के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो सरकार अथक प्रयास कर रही है इन लोगों को बचाने का, और वो अंदर जो मजदूर हैं वो अपनी जिंदगी की और मौत की जंग जो है वो लड़ रहे हैं, वो इस जंग को जीतकर अपने परिवारों के बीच में जाएंगे और सभी को बचाकर उनके परिवारों तक पहुंचाने का काम जो है वो सरकार करेगी। सरकार जो है प्रयास करेगी, आपको एक मिनट यही कहा जा रहा है कि जो प्रयास इस समय सरकार के जारी है उनमें कामयाबी मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस वक्त तक की बात करें तो इंजीनियर्स के तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा चुके हैं, लेकिन कामयाबी कहीं ना कहीं अभी नहीं मिली है। तो ऐसे में जो अंतिम शरण होती है वो भगवान की होती है, और उसके लिए हवन पूजन यज्ञ जो है वो करना अत्यावश्यक होता है, और वही इस समय राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू में करता हुआ। तो हम भी दुआ करेंगे कि उत्तरकाशी में जो लोग इस सुरंग में फंसे हुए हैं, 10 दिन का समय हो चुका है, वो जल्द सुरक्षित सुरंग से बाहर आए, ताकि उनके जो परिवारजन है जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार समाप्त हो। नमस्कार।